ऊपर करके दिखाओ, छोड़ो भी इसके साथ। देखना ये था कि ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए रेडी होंगे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये साथ घूम रहे हैं और दाना वगैरह चुग रहे हैं तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं संडे को मुर्गी लेकर आ जाऊँगा, तो मुर्गी मैं लेकर आ गया था लेकिन ब्लॉग नहीं बना सका, तो नहीं बना सका। तो मुर्गी तो मैं लेकर आ गया था लेकिन ब्लॉग नहीं बना सका था। तो मुर्गी को हमने अभी तक मुर्गे के साथ छोड़ा नहीं है, उसको अलग रखा हुआ है, क्योंकि जो मार्केट से आई हुई मुर्गी होती है उसके अंदर कुछ जरासीम वगैरह होते हैं, तो एक से दो दिन अगर उसको अलग रख लिया जाए अपने घर के परिंदों से तो बेहतर होता है, वरना वो वायरस उसमें भी लगता है। तो दूसरा दिन तो हो गया जगह किए हुए, तो आए फिर अब उसको मुर्गी के साथ छोड़ दें, देखते हैं क्या मुर्गा उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देर के। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग जी। तो मैंने मुर्गी लेने के लिए अली को भेजा है, तब तक इस वाले मुर्गे को देखते हैं। और ये आशिर भी आ गया। आशिर तुम कहाँ थे इतने दिनों से, ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे थे? इधर देखो, ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे थे? नानी के घर गए थे, तो इतने दिनों बाद वापस आया। अच्छा, हाँ। नाजिया की बर्थडे में क्या था? तो इतने दिनों बाद आए हो। ये आपने नया वाला पिंजरा देखा है? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। इसका गेट यहाँ से खुलता है। ये ऐसा खड़ा हुआ जैसे इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा है। नीचे जाना है, नीचे जाना है? हाँ। चलो रुको, मैं नीचे छोड़ देता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारी नई मुर्गी। इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगा आपको, अभी रुक जाएं। पहले हम मुर्गे को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको अचानक से सरप्राइज देंगे। पिंजरे से निकाल लो, गेट खोलो। छोड़ दे सही। माशाल्लाह मुर्गा आ गया। जाओ ले मुर्गी भी निकाल कर ले आओ। इधर लेकर आओ, पहले दिखाओ। ये देखें हमारी मुर्गी है, ऊपर करके दिखाओ, छोड़ो भी इसके साथ। देखना ये था कि ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए रेडी होंगे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये साथ घूम रहे हैं और दाना वगैरह चुग रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द पेयर बना लेंगे और जल्द हमारी मुर्गी अंडों पे आ जाएगी। दोस्तों, टहलते टहलते ये हमारे कमरे में चले गए। आओ वापस आओ, इनको बाहर निकालो। आओ, छोटे पिंजरे में क्या करने चलेगा, इतना बड़ा पिंजरा बनाया इनके लिए बाहर। हैं, बड़ा पिंजरा पसंद नहीं आ रहा क्या? लेकिन एक बात है, घूम साथ साथ ही रहे, बाहर निकाले। माशाल्लाह हमारे मुर्गे का जोड़ा तैयार हो चुका है, अब ये जल्दी पेयर लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता था जब हमारे पास डेली कम से कम 4-5 अंडे आते थे, हमारे पास 4-5 मुर्गियाँ थी और वो अंडे आते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो सेटअप किस तरीके से, वो बड़ा ख़तरनाक सा एक तूफ़ान टाइप का आया था, उससे हमारे सारे पिंजरे वगैरह गिर गए थे और तकरीबन मेरे पास 5-6 मुर्गियों के मिला के कोई 20-25 चूज़े थे। किसी के 4 थे, किसी के 5 थे, किसी के 6 थे, और इस तरीके से किसी के ज़्यादा भी थे और फिर रिपीट भी हुए थे, कुछ बड़े भी थे कुछ छोटे थे, लेकिन तकरीबन 20-25 चूज़े थे, वो सारे के सारे मर गए थे। तो अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि ये अंडों पे आए और फिर से फिर ब्रीड शुरू करें और मुर्गी को बिठाएं और फिर से चूज़े देखें। तो मुझे इनके चूज़े देखने का बड़ा शौक है, फिर से वही वाला टाइम लाने का। तो उम्मीद है मुझे कि ये जल्दी अंडों पे आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारा अनदर पट्टा है, ग्रे वाला।
क्या हाल है इसकी? हाइट देखें माशाल्लाह कितनी ज्यादा है। इसकी हाइट मुझे लगता है उससे भी ऊंची जाएगी। अंदर की अपडेट है? एक बैड न्यूज़ है। क्या? चूजा मर गया एक और चूजा मर गया। तो बचे कितना? एक। पांच में से एक बचा है। इतनी स्पीड से क्यों मर रहे हैं यार ये? यहाँ पर भी मौसम सही नहीं लग रहा है क्या? ये एक अकेला चूजा बचा है, एक और मर गया है जो इसके साथ था, और खरगोश ये बिल्कुल ठंड सीन बना के यहाँ बैठे हैं ऊपर आराम से, इजी सीन है बिल्कुल, इनको किसी की टेंशन ही नहीं है। और ये पट्टा यहाँ अकेले घूम रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कबूतरों का सीन करना है, मैं सोच रहा हूँ अंदर कबूतरों का सीन बना दूँगा। जी हो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुर्गे को चंडी हो गई है, उसका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। और बाथरूम के अंदर कुछ और रखने का आइडिया आया है मुझे भी कि उसके अंदर क्यों ना कबूतर वगैरह का सीन बनाया जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।